कम उम्र में सफ़ेद बाल परेशानी का बायस बन सकते हैं। जानिए सफ़ेद बालों से छुटकारा हासिल करने के लिए चंद आसान और घरेलू तरीके। बालों का कबल अज़ वक़्त सफ़ेद होना मुनासिब ग़िज़ाइयत की कमी सफ़ेद बालों की अव्वलीन वजूहात में से एक है। आज हम आपको कुछ घरेलू इलाज बताएंगे जो कुदरती तौर पर सरमई या सफ़ेद बालों को स्याह कर सकते हैं। बालों की देखभाल की तजावीज़। बालों का कबल अज़ वक़्त सफ़ेद होना एक ऐसी चीज़ है जो आपको परेशानी में डाल सकता है। ये न सिर्फ आपकी ज़ाहरी शक्ल को मुतासिर करते हैं बल्कि आपके खुद एतमादी को भी कम करते हैं। अगर आपके बाल 25 साल की उम्र से पहले सफ़ेद हो जाएं तो इसे बालों का कबल अज़ वक़्त सफ़ेद होना कहा जा सकता है। बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने की वजूहात। कबल अज़ वक़्त बाल सफ़ेद होना विटामिन B12 की कमी, आयरन की शदीद कमी की वजह से हो सकता है। सफ़ेद बालों की वजह ग़िज़ा में प्रोटीन, आयरन और दीगर ज़रूरी विटामिन और मादनियात की कमी है, जो कि वक्त है बालों को सफ़ेद करने का बायस बन सकती है। उम्र से पहले सफ़ेद बालों को रोकने के लिए आपको सेहतमंद और मुतवाजन ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी ग़िज़ा में सब्ज़ियाँ, दही और ताज़ा फल शामिल किए जाएं ताकि ज़रूरी ग़िज़ाई अज़ा की कमी पूरी हो सके और आपके बाल सफ़ेद ना हों। लेकिन इस वक्त आपके सर पर मौजूद सफ़ेद बालों को स्याह करने के लिए क्या इलाज है, ये आज हम आपको बताएंगे। ऐसे बहुत सारे इलाज हैं जो सफ़ेद बालों को स्याह करने में मदद कर सकते हैं। आंवला और मेथी के बीज का हेयर मास्क। आंवला पाउडर लें, इसके बराबर मिकदार में मेथी के बीज लें और इन्हें ग्राइंडर में पीस लें। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी मिलाएं और बालों में अच्छी तरह लगा लें। 2 घंटे बाद सर धो लें। आंवला विटामिन सी का भरपूर जरिया है, जबकि मेथी के बीज बालों के मायार को बेहतर बनाने के लिए कई मुफीद ग़िज़ाई अज़ा से भरे होते हैं। दोनों मिलकर बालों की नशोनुमा को फ़रोग दे सकते हैं और बालों को कबल अज़ वक़्त सफ़ेद होने से भी रोक सकते हैं। कड़ी पत्ते और नारियल का तेल। चंद कड़ी पत्ते नारियल के तेल में उबालें। उन्हें उस वक़्त तक उबालें जब तक के पत्ते काले ना हो जाएं। अब इसको ठंडा होने दें और फिर इस तेल से अपने बालों पर मसाज करें और रात भर छोड़ दें। अगली सुबह अपने बालों को शैम्पू से धो लें। कड़ी पत्तों में मौजूद विटामिन बी बालों को रंगने वाले एंजाइम मेलामाइन को बहाल करने में मदद करता है, जबकि मज़ीद सफ़ेद होने से भी रोकता है। ब्लैक टी हेयर मास्क। एक पैन लें, इसमें 1 गिलास पानी और 2 चम्मच काली चाय की पत्ती लें, फिर 1 चम्मच नमक शामिल करें। इसे इतना पकाएं कि आधा पानी रह जाए और ठंडा होने दें। इस मिक्सचर को साफ बालों पर लगाएं। आपके बालों को रंगने का यह कुदरती तरीका है। काली चाय आपके बालों की सफेदी दूर करके इन्हें काला बनाएगी और आपको चमकदार बाल मिलेंगे। बादाम का तेल और लीमू का रस। बादाम का तेल और लीमू का रस 2-3 के तनासुब से मिलाएं। अब इससे बालों पर मालिश करें। इसे 30 मिनट तक रहने दें और फिर शैम्पू से धो लें। बादाम के तेल में मौजूद विटामिन ई बालों की जड़ों को परवरिश देता है और कबल अज़ वक़्त सफ़ेद होने से रोक सकता है, जबकि लीमू का रस विटामिन सी से भरपूर होता है जो बालों की नशोनुमा को आसान बना सकता है। मेहंदी और कॉफ़ी मिक्स। मेहंदी बालों को कुदरती तौर पर रंगने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तमाम नेचुरल मेहंदी लगाएं, क्योंकि बाजार में दस्तियाब मेहंदी भी नुकसानदेह केमिकल्स और मसनूई रंगों के साथ आती है। कुदरती तौर पर सफ़ेद बालों से छुटकारा पाने के लिए मेहंदी और कॉफ़ी का इस्तेमाल बेहतरीन है। 2 से 3 कप पानी में कॉफ़ी के 4 से 6 चम्मच डालकर उबाल लें। अब इसमें पानी में खालिस मेहंदी शामिल करें और पेस्ट बनाकर बालों में लगाएं। अगर आप इसमें आंवला पाउडर और बादाम का तेल शामिल कर लें तो यह और भी हैरत अंगेज नतायज दे सकती है। तमाम अज़ा आपके बालों की नशोनुमा करेंगे, बालों को सफ़ेद होने से रोकेंगे और इन्हें स्याह बनाएंगे। साथ ही बाल सिल्की और चमकदार भी हो जाएंगे। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।